पिछले पार्ट में आपने देखा कि ये लड़का राजकुमारी की दादी की खोई हुई अंगूठी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में ये एक समुद्र में गिर जाता है। समुद्र में इसे एक शार्क दिखाई देती है जो पूरे तरीके से जंजीरों से बंधी होती है। उसकी आँख से आंसू गिर रहे होते हैं। लड़का अपने घोड़े से कहता है कि हमें इस शार्क की नाक में जाना होगा ताकि इसे छींक आए और ये जंजीरों को तोड़ सके। वो दोनों शार्क की नाक में चले जाते हैं। घोड़े के पंख जब शार्क की नाक से टकराते हैं तो शार्क को छींक आती है और शार्क की इस जोरदार छींक से सारी जंजीरें टूट जाती है। लड़का शार्क को जाते हुए देख के खुश हो रहा होता है। तभी उस लड़के को एक केकड़ा दिखाई देता है जिसके पास वो अंगूठी होती है। लड़का उस अंगूठी को ले लेता है और केकड़ा उसे बताता है कि ये अंगूठी उसके लिए शार्क ने दी है। लड़का अंगूठी लेके राजकुमारी के पास आता है और राजकुमारी उस लड़के से शादी कर लेती है।